बुलेट के पटाखे मार मार कर सुंदर कन्याओं को प्रभावित करने में लगा था। इसे नरक में डाल दो और पिला पिला कर मारो। मुझे क्यों उठा लाए, मैं तो वाहन नहीं चला रही थी। यमदूत जी महाराज, जाओ इन सबको जल्दी लेकर आओ। तो माने धरती पर आ गए और सारा ने समझाने पड़न लाग रहे है। सगड़े भैया राम राम और सलाम, मैं हनुमान फेरे गए जलको हनुमानगढ़। तो आज टाउन के अंदर हाँ आपा और हनुमानगढ़ टाउन के अंदर है सड़क सड़क से सप्ताह है वो तदारा के नुक्कड़ नाटक के द्वारा है। मन लोगन जागरूक भी करे जा रहे हैं ताकि लोग है वे यातायात नियमों का है वे पालन कौन करना रहेगा ताकि वहाँ लोगन है वे इन प्रति जागरूक भी हो। चित्र को अपने सिस्टम में चेक करो और बताओ आज किस किस का पत्ता कटने वाला है। जी महाराज, छगन भाई, चंपा मौसी, हंसा बहन और अपने मनसुख लाल। यमदूत जी महाराज, जाओ इन सबको जल्दी लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज मुझे काम की वजह से दूर तक जाना पड़ता है, अगर आप मुझे भी एक वाहन दिलवा देते। खामोश, पहले ड्राइविंग लाइसेंस बना लो, बाद में दिला दूंगा। जाओ। जो आज्ञा महाराज। लेने गया था किसी और को और मिल गए कोई और। चलो सबके सब। देवा रे देवा, ये किसको उठा लाए? ये तो मुझे रास्ते में ही मिल गए, तो मैंने सोचा पहले इन्हीं को ले चलूं। अरे पहले उनको लाते, इनकी रिटायरमेंट की उम्र हो चुकी है। ये तो जवान है, देश का भविष्य है, इन पर कितनी जिम्मेदारियां थी। महाराज इसमें मेरी गलती नहीं है, ये सब अपनी अपनी गलती की वजह से यहाँ आए हैं। वो कैसे? इसको देखो, ये तो सतीपुरा रोड पर वाहन ऐसे चला रहा था जैसे तेज आंधी हो। वाहन तो इसके बस में ही नहीं था, मुझे तो लग रहा था जैसे पीके टुल था। पीके टुल? अच्छा हुआ, इसे नरक में डाल दो और पिला पिला कर मारो। चल यहाँ से। महाराज इसको देखो, ये तो टाउन जंक्शन रोड पर ऐसे कर रहा था जैसे कलाबाजियां खा रहा हो। मुझे तो लग रहा था जैसे सड़क पर सर्कस लगा रखा हो, बुलेट के पटाखे मार मार कर सुंदर कन्याओं को प्रभावित करने में लगा था। सुंदर कन्या? करने चले थे प्रभावित और हो गए मृत। आज अगर तुम सर्कस नहीं कर रहे होते तो ना जाने कितनों को प्रभावित कर चुके होते। चल यहाँ से। महाराज इसे देखो, ये तो शॉर्टकट लेने के चक्कर में रॉन्ग साइड से आ रहा था। एक कार वाले ने इन्हें कट करके शॉर्ट कर दिया। अरे तुम लोग कब समझोगे, शॉर्टकट के चक्कर में जिंदगी शॉर्टकट रह जाती है। पिछले 50 सालों से ट्रैफिक रूल बने हैं और आज भी भारत में 1,20,000 लोग रोड एक्सीडेंट की वजह से ऐसे में ही मौत के मुंह में चले आते हैं। चल यहाँ से। मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों उठा लाए, मैं तो वाहन नहीं चला रही थी। चुप, मेरी क्या गलती थी, इनको तो बड़ी जल्दी थी सड़क पार करने की, बिना देखे सुने दौड़ पड़ी सड़क पार करने, जबकि इनके लिए तो सरकार ने खास श्याम श्रेष्ठ चित्र भी बना रखे हैं। श्याम श्रेष्ठ चित्र? वो क्या होता है महाराज? जेब्रा लाइन क्रॉसिंग चित्र को जेब्रा लाइन। भगवान ने दो आंखें और कान दिमाग गलत देखने के और सुनने के लिए नहीं दिए हैं। क्या देख के नहीं चल सकते थे? थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी? ले जाए इनको। इतने सारे लोग एक्सीडेंट के कारण मर जाते हैं, लगता है कि मुझे ही नीचे जाना पड़ेगा और ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ जाके बात करनी पड़ेगी। नहीं महाराज, वो लोग तो अपना काम बड़ी मुस्तैदी से कर रहे हैं, पर न जाने लोग ही क्यों समझदारी और धैर्य से काम नहीं लेते और अकस्मात ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हमें लगता है इन्हें जागरूक करने की जरूरत है। तुम ठीक कहते हो यमराज। मैं यमराज लोगों के प्राण हरता हूँ, लेकिन आप लोगों ने अपनी जान दे देकर यमलोक की हालत खराब कर रखी है। एक तो रूटीन में मरने वालों को संभाला नहीं जाता
और ऊपर से आप लोग यहाँ आ टपकते हो जिनकी आयु अभी बाकी होती है, तो आपने हमें क्यों मारा? हमारी क्या गलती थी? आपको हमने नहीं मारा, आप लोग अपनी गलती की वजह से मरे हो, इसीलिए हमने यमराज जान दान योजना शुरू की है। इसके मुताबिक आप जैसे लोगों की बाकी बची उम्र किसी जरूरतमंद को दे दी जाएगी। बोला कि मैंने गलती की है, बस चीप बैठी तो नहीं पहना था। मोबाइल फोन और तुम्हारी स्पीच। मैंने सिर्फ हेलमेट ही तो नहीं पहना था, इसकी इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए। मुझे माफ कर दो तो मैं जाऊंगा बस। नहीं, गड्डी ओवरलोड थी बेटा, और शराब भी पी रखी थी, कैसे छोड़ दूं? आप लोगों को ना कानून पसंद है, ना ट्रैफिक सिग्नल, ना अपनी पड़ी है, ना अपनों की पड़ी है। ये देखो, एक और गया बाइक चलाते चलाते। ये प्यारी सी बच्ची, बेटा तुम्हारी आयु तो खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारी योजना के मुताबिक मैं इन सब की आयु के 70 वर्ष तुम्हें देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं। मम्मी, ड्राइविंग करते वक्त सीट लगाना और फोन पे बात मत करना। पापा, शराब पीकर कभी भी गाड़ी मत चलाना। भैया, बिना हेलमेट घर से बाहर मत निकल जाना बाइक चलाने। और स्पीड तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्पीड का रास्ता सीधा यमलोक जाता है। तो आना रोकने के लिए हमारा यमलोक में भी बहुत तादाद के अंदर लोग मर मर का आन लाग रहे है, तो माना धरती पर आ गए आना सारा ना समझाने पड़न लाग रहे है कि ट्रैफिक नियमों को पालन करो। हमारा यमलोक के अंदर इतनी जगह कोनी है, सही तरीकों से वाहन चलाओ और सुरक्षित रहो। मेरा ये मानना है कि अगर हर आदमी का नैतिक कर्तव्य भी है कि हर आदमी यातायात नियमों की पालना करे एवं यातायात पुलिस का एवं परिवहन विभाग का सहयोग करे यातायात नियमों की पालना में, तब हम एक्सीडेंट में कमी ला सकते हैं। और ये आज हमारा दूसरा दिन था, हम नुक्कड़ नाटक दिखा रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि पहले पब्लिक को जागरूक करने की आवश्यकता है। मैं घर जाके सबको बताऊंगी कि पापा, ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट लगाना करना, भैया स्पीड पे बाइक मत चलाना। यह शपथ लेता हूँ कि मैं सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा, सड़क एवं यातायात नियमों का हमेशा पालन करूंगा। और इन पर सारी कह रहे हैं, पर राय भी देते हो। यदि चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि हनुमानगढ़ जिले की देसी खबर है वे थाने मिलेगी, और वीडियो ने शेयर भी करता रहियो। जय हनुमानगढ़, जय राजस्थान, जय हिंद।